अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एपेटाइट। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने ली है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मेथी, कसूरी मेथी है ये, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट का मसाला और 1 चम्मच लिया है हमने बेसन। और इसको हम ऑयल में हल्का सा भूनेंगे। और ये लिया है हमने दही 1/2 बाउल और ये नींबू, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये मैंने लिए हैं पनीर के क्यूब्स और कैप्सिकम और थोड़ी सी अनियन। इन दोनों चीज़ों को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है और इसमें मैं थोड़ा सा जो हमने अभी दिखाया था आपको, ये बेसन है और इसको मैं इसमें रोस्ट करूँगी, इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको बाइंडिंग के काम में लेना है हमें, इसलिए इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि इससे पनीर अच्छी तरह से हमारा आपस में चिपक जाए, इसकी हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए इस तरह से, हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें जो मैंने बेसन फ्राई किया है उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद लिए हमने ये लाल मिर्च और जो भी हमारे तमाम मसाले थे वो सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने तमाम मसालों को ऐड कर दिया है और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये एक हमारी जो रेसिपी है ये पंजाबी रेसिपी है और ये लोगों को काफ़ी पसंद होती है। ये देखिए मसाले तो हमारे सारे ऐड हो चुके हैं, दही रह गया था जो हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। यहाँ मैंने दही और नींबू को सबसे लास्ट में ऐड किया है। ये देखिए हमारा इसमें नींबू भी ऐड हो गया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो ज़्यादातर लोग इसको स्नैक्स के तौर पर भी लेते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी लेते हैं और बनाने में बहुत आसान भी है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो ना भी करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस कलर से एक थोड़ा सा अच्छा रंग आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है। और बहुत ही हल्के हाथ से हमें अपने सारे पनीर के क्यूब्स इस बैटर में हमें ऐड कर लेने हैं और बहुत ही हल्के हाथों से इन तमाम मसालों को पनीर पर लपेटना है, इस तरह से कि पनीर के हमारे क्यूब्स जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि अभी इनको हमें असेंबल करना है। और यहाँ पर हमने वेजिटेबल इसलिए ली है कि ताकि पनीर जो होता है वो पकने के बाद थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है, तो उसको जब हम स्टिक पर लगाएंगे तो उसके घुलने के और उसके मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे पनीर को एक सपोर्ट मिलती है। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को इसमें मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्पून से कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सारे हमारे मसाले पनीर पर अच्छी तरह से लग गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टिक ली है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसमें मुझे पनीर को असेंबल करना है इस तरह से,
बहुत ही हाथों का प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही आराम से करना है। एक हमें इसमें क्यूब पनीर का लिया है, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च लगाया है, और उसके बाद एक एक वेजिटेबल आप इस तरह से लगाते रहिए ताकि जो पनीर है उसको एक सपोर्ट मिले। और बहुत ही इनको बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि अगर गैप देंगे तो पनीर के मेल्ट होने के गिरने के चांसेस रहते हैं। पनीर को और वेजिटेबल को अच्छी तरह से एक दूसरे की सपोर्ट से इसको टाइट कर दीजिए। और बाकी सारी स्टिक हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये मैंने दूसरी स्टिक भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल को गरम किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, और इनको एक एक स्टिक को अच्छी तरह से फ्राई करना है। पैन थोड़ा बड़ा लेंगे तो हम जो हमारी स्टिक हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, इसमें मेरी चार स्टिक एक साथ आ गई हैं और मुझे बहुत धीरे धीरे इनको पलटना है। एकदम गोल्डन ब्राउन जो टेक्सचर है इसका, गोल्डन ब्राउन आएगा। अब इसको मुझे चूल्हे पर रोस्ट करना है इस तरह से, एक स्मोकी टेस्ट देने के लिए, क्योंकि पनीर तो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है, लेकिन हमें इस तरह से इसको जो टेक्सचर देना है एक टिक्के वाला, वो इस तरह से दे सकते हैं। हल्की हल्की आंच में इसको रोटेट करते रहिए। आप इसमें स्मोकी टेस्ट इस तरह से भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है जो ऑलमोस्ट हम लोग यूज़ करते हैं कि एक कोयले के टुकड़े को लेकर उस पर गरम कर लीजिए और उसको थोड़ा सा उस पर आप बटर डालेंगे और उसके बाद उसको बीच में रख दीजिए और उसको कवर लिड से कवर कर देंगे तो भी आपको ये स्मोकी वाला जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। ये देखिए, हमारे सारे टिक्के तैयार हो गए हैं। ऊपर से हमने इस पर बटर लगाना है क्योंकि ये एक पंजाबी डिश है और पंजाबी डिश जो है वो बिना बटर के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ये देखिए, मैंने इस पर बटर लगाया है। सारे टिक्कों पर आप इस तरह से बटर लगा दीजिए ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी क्रीम। क्रीम से भी एक थोड़ा सा रिच लुक मिलता है हमें। ये देखिए, तो चलिए, तैयार है हमारा पनीर टिक्का। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिया हुआ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।